एक्सीडेंट हुआ है ना, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं क्लिप दिखाता हूँ गाड़ी की। गाड़ी क्या, गाड़ी बिल्कुल ही खत्म हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आपको पता है मिस्टर इंडियन हैकर यानी अपने दिलराज भाई, जिनको दिलों के राजा भी कहा जाता है, उनका एक्सीडेंट हो गया था उनके टीम मेंबर के साथ। सेम एक्सीडेंट सौरव जोशी व्लॉग्स के साथ भी हुआ था। गाइस आपको पता है सौरव जोशी व्लॉग्स जब अपने मनाली के अंदर सॉन्ग शूटिंग करने के लिए गए थे भाइयों वाला, तभी जब वो टनल से गुजर रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो गया था, उनकी गाड़ी पूरी खत्म हो गई थी। उसी तरह दिलराज भाई का भी एक्सीडेंट हुआ था। और गाइस कम से कम एक महीने से दिलराज भाई के चैनल पे कोई एक्टिविटी नहीं थी, कोई वीडियोस नहीं आ रहे थे। एंड गाइस आपको पता ही होगा कि मिस्टर इंडिया हैकर सौरव जोशी व्लॉग से मिलने के लिए गए थे हल्द्वानी, तभी उनकी पूरी टीम मेंबर उनके साथ में थे। उनके टीम मेंबर में 12 लोग हैं, जिसमें से 2 लोगों ने टीम को छोड़ दिया है हमेशा के लिए, और वो अभी दोबारा मिस्टर इंडिया हैकर के व्लॉग्स और एक्सपेरिमेंट में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। इस एक्सीडेंट से जैसे ही हम उभरे, कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैं तो क्या आप भी नहीं सोच सकते, कोई नहीं सोच सकता है। वो टीम मिस्टर इंडियन का टीम, वो जिसे मैंने रॉक स्ट्रॉन्ग बनाया है, वो इतनी सॉलिड है, मुझे इतना विश्वास था कि यार कि उसे कोई पर्वत भी नहीं हिला सकता है। बताओ यार, वो टीम भी टूट गई। बस एक चीज आपको कहूंगा कि बॉस लाइफ में कभी भी लालच मत कर। ये पैसे कमाना बहुत कमाना, लेकिन एक बात याद रखना, पैसे से सिर्फ आप अपनी जरूरत पूरी कर सकते हैं, उससे आप खुशी नहीं खरीद सकते। सो गाइस, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेट जरूर कर दें, जिससे आने वाली अपडेट सबसे पहले मिले।